नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम भारतीय संस्कृति में चार आश्रम, 16 संस्कार, इनके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विवाह के प्रकार, प्राचीन संस्कृति में विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। वो 8 प्रकार है: ब्राह्मो देवस तथैवार्ष, प्राजापत्यस तथा सुर, गांधर्वो राक्षसश्चैव, पेशाचाष्टमोधम। ब्राह्मो ब्रह्म विवाह है, देव है देव विवाह है, तथैवार्ष है आर्ष विवाह है, प्राजापत्य तथा सुर है, प्राजापत्य विवाह है और आसुर विवाह है, गांधर्वो गांधर्व विवाह है, राक्षस राक्षस विवाह है और अंतिम जो विवाह है वह पेशाच विवाह है। ब्राह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्राजापत्य विवाह है, आसुर विवाह है, गांधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पेशाच विवाह है। ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अब इनमें जो ब्राह्म विवाह है वह है: आच्छाद्य चार्षित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं, कि जो पिता किसी शीलवान पढ़े लिखे जो गुणवान वर है उसको स्वयं घर बुला करके कन्या के पिता के द्वारा वर को वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करके पूजा अर्चना करके कन्या का दान किया जाता है, उसे हम धर्म सम्मत ब्राह्मण विवाह कहते हैं। कि जो गुणवान हो, शीलवान हो, शास्त्र आदि को पढ़ा लिखा जो वर है, लड़का है, उसको घर बुला करके जो कन्या का पिता है वह सत्कार करके वस्त्र आभूषण दे करके यथाविधि पूजा अर्चना करके उसे व्यक्ति को कन्या का दान करता है, तो यह धर्म सम्मत विवाह होने के कारण ब्राह्मण विवाह कहलाता है। अब है देव विवाह। यज्ञे तु विदते सम्यक् ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते। कि किसी यज्ञ को संपादित करते हुए ऋत्विक के कर्मों को देखकर जब कन्या का पिता अपनी पुत्री को अलंकृत करके दान कर देता है वह धर्म सम्मत देव विवाह कहलाता है। जो ऋत्विक होता है, यज्ञ करने के लिए जो ऋत्विक आता है, उस ऋत्विक के कर्मों को देख करके उस ऋत्विक के साथ में यदि कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता है तो वह धर्म सम्मत देव विवाह कहलाता है। यज्ञ यानी कि जो यज्ञ करने वाला जो ऋत्विक है, जो ब्राह्मण है, पंडित है, उसके साथ उसके कर्मों को देख करके ही उसके साथ यदि अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो वह देव विवाह कहलाता है। अब जो तीसरा विवाह है वह आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में एकम गो मिथुनम द्वेवा वरात आदाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधि वर्षात कन्या प्रदानम विधिवत आर्षो धर्म से उच्यते। कि जब कन्या का पिता वर्ष से एक अथवा दो गोमित यानी गाय या बैल लेकर के विधिवत अपनी कन्या का दान करता है तो उसे हम धर्मानुसार आर्ष विवाह कहते हैं। कि जब कन्या का पिता वर्ष से एक या दो गाय बैल लेकर के विधिवत अपनी कन्या का दान करता है तो उसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। अब है प्राजापत्य विवाह। सहोभो चरताम धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्चा प्रजापत्य विधि स्मृत। कि तुम दोनों साथ साथ चलते हुए धर्म का आचरण करो कि कन्या और वर ये दोनों साथ साथ चलते हुए धर्म का आचरण करो, इस प्रकार का कथन कन्या के पिता के द्वारा कहकर वर की अर्चना करते हुए कन्या का दान किया जाता है तो इस विधि सम्मत
विवाह को हम प्राजापत्य विवाह कहते हैं, कि जो कन्या का पिता है वह उन्हें वर और वधु को कहता है कि तुम दोनों साथ साथ चलते हुए धर्म का आचरण करो। तो इस प्रकार वह वर की यथाविधि पूजा अर्चना करके और विधि सम्मत विवाह करता है, तो वह प्रजापति विवाह कहलाता है। अब है आसुर विवाह है। ये जो प्रथम जो चार विवाह थे वो उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति। ये चार जो प्रथम विवाह हैं वो उच्च कोटि के विवाह हैं। अब जो पांचवा विवाह है वह आसुर विवाह है। ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वछंद्या दासुरो धर्म उच्यते। कि जब कोई वर कन्या को प्राप्त करने के लिए कन्या के माता पिता अथवा जाति वालों को यथाशक्ति द्रव्य देकर कन्या को प्राप्त करता है, ये आजकल भी बहुत चल रहा है, कि क्योंकि इस समय जो लिंगानुपात है वह बहुत ही कम है, तो लड़कियों की कमी होने के कारण अच्छे अच्छे परिवारों में लड़के हैं वो कुंवारे हैं, तो उसके लिए उनके पिता, किसके, वर के पिता, लड़के के पिता, लड़की वालों को धन दे करके शादी करते हैं। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो पैसे लेकर के अपने लड़की का विवाह करते हैं। तो इस श्रेणी के विवाह को हम आसुर विवाह कहते हैं, कि पैसे लेकर के कन्या देना, कि वर पक्ष से पैसे लेकर के कन्या का दान करना, तो यह आसुर विवाह की श्रेणी में आता है। अब है गांधर्व विवाह है। गांधर्व विवाह है, गांधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह है, कि इच्छया अन्योन्य संयोग है कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्व सेतु विज्ञेयो मैथुन्य काम संभव है। के अर्थात जब वर अथवा कन्या एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर या काम वशीभूत होकर स्वयं की इच्छा से विवाह संपन्न कर लेते हैं, तो उसे हम गांधर्व विवाह कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा दुष्यंत और महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री शकुंतला थी, इन दोनों में जो विवाह हुआ था उन दोनों की इच्छा से, तो उसे हम गांधर्व विवाह की श्रेणी में रखते हैं। अब है राक्षस विवाह है। हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतीम रुदतीम गृहात् प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधि रुच्यते। कि जब वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को मारकर काटकर अथवा डराकर बिलखती एवं रोती हुई कन्या का बलपूर्वक उसके घर से अपहरण करके विवाह किया जाता है, तो उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। कि मान लो कन्या के माता पिता सहमत नहीं है, कन्या भी सहमत नहीं है, तो जबरदस्ती कन्या के माता पिता को मारकर पीट कर डरा कर धमका कर उस कन्या का अपहरण करते हुए वह रोती बिलखती हुई कन्या, तो उसका अपहरण करके जब विवाह संपन्न किया जाता है, तो वह विवाह राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। अंतिम जो आठवां विवाह है वह है पेशाच विवाह है। सुप्ताम मताम प्रमताम वा रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्टु विवाहा नाम पेशाचाष्टमोदमः। की सोई हुई सुप्ताम सोई हुई, मताम मत या नशे में व्याकुल या अपने सील की रक्षा करने में असमर्थ, कन्या के साथ विवाह करना ही सबसे अधम पेशाच विवाह कहलाता है। कि कन्या यदि सोई हुई हो या नशे में मद हो या वह अपने चरित्र की रक्षा करने में असमर्थ हो, तो ऐसी कन्या के साथ में कोई जबरदस्ती विवाह करता है, तो वह पेशाच विवाह की श्रेणी में आता है और ये सबसे निम्नतम श्रेणी का विवाह है। तो ब्राह्मण वर्ण हेतु जो श्रेष्ठ विवाह है, जो प्रथम चार है, ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापति,
जो क्षत्रिय वर्ण हेतु जो श्रेष्ठ विवाह है राक्षस विवाह है, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्ती ही डरा कर धमका कर कन्या से जबरदस्ती अपहरण करके विवाह कर लेते थे। क्योंकि पुराने समय में जो राजा लोग होते थे या जो राजकुमार होते थे, प्रथा प्रथा तभी तो चली थी कि कोई भी सुंदर कन्या दिखती थी, कोई सुंदर युवती दिखती थी, तो ये जो क्षत्रिय जो लोग होते थे वो उसका अपहरण करके विवाह कर लेते थे। और वैसे शूद्र वर्ण हेतु श्रेष्ठ विवाह है असुर विवाह है। इस प्रकार इन 8 विवाहों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।